कई घर हैं जो क्वारंटीन किए गए, 72 घर को क्वारंटीन करने का आदेश दिया गया है। वैसे भी दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली जिला जो है वो सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित, वहां से सबसे ज्यादा केस, और अब ऐसे में मालवीय नगर में ये पिज्जा डिलीवर करने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हम सीधा रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ। अंजलि, डिटेल्स दीजिए। जी देखिए, आपको बताया तो माना, ये जो पूरी पिज्जा डिलीवरी बॉय जो कोविड पॉजिटिव पाया गया है, दरअसल इसमें कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग वाली बात है उसका लैप्स भी निकल कर आ रहा है। आपको बताएं कि पिछले 30 दिन से ये जो डिलीवरी बॉय है ये सिम्टोमैटिक था और इसको खांसी जुकाम था, जिसके चलते ये कुछ सरकारी अस्पतालों में भी गया, लेकिन चूंकि इसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी इसलिए किसी भी अस्पताल ने कोविड के लिए इसे टेस्ट नहीं किया। तो पिछले 30 दिन पे ये लगातार डिलीवरी करता रहा, हालांकि अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए ये सरकारी अस्पतालों में गया, लेकिन उसके बाद जब सिम्टम्स बढ़े और फिर फाइनली करीब 13 अप्रैल के आसपास बताया जा रहा है कि जब कोविड का टेस्ट कराया गया और वो टेस्ट पॉजिटिव आया, तो एकदम से प्रशासन भी सख्ते में आया और प्रशासन ने हरकत में आकर पूरी जिन जगहों पर इसने डिलीवरी की, तमाम उन जगहों पर जहां ये गया उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। और अब 72 ऐसे घर मालवीय नगर एरिया में 5 किलोमीटर के रेडियस में निकले हैं जहां पर इसने डिलीवरी की थी, और उन तमाम घर के लोगों को, 72 घरों के लोगों को होम क्वारंटीन करने को कहा गया है, उनको उन पर वॉच किया जा रहा है उन सभी लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर लैप्स जो है, टेस्टिंग वाली बात जो निकल कर आ रही है कि अगर टेस्टिंग हम नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में लोग नहीं है तो आखिर संक्रमण कैसे पहुंचा, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी प्रशासन को तलाशने होंगे कि आखिर ये कैसे संक्रमित हुआ। और जब खुद ही ये अस्पताल भी गया, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल के लोगों को नहीं लगा कि कोविड टेस्ट करवाना चाहिए, अगर टेस्ट पहले हो जाता तो शायद ये पहले ही पता चल जाता। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, इस वक्त साउथ दिल्ली के डीएम बीएन मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा और अपडेट ले लेते हैं। मिश्रा जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय, और ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि ये तो पिछले कई दिन से बीमार था, अस्पतालों के चक्कर भी काट रहा था, टेस्ट ही नहीं हो पा रहा था इसका, अब जब टेस्ट हुआ तो पता चला कोरोना पॉजिटिव। नहीं देखिए, ये 14 तारीख को हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया है और उसमें हमें पता लगा कि ये, फिर हमने इसको कांटेक्ट किया कि ये कौन लड़का है, इसको फिर पाया कि ये पिज्जा डिलीवरी बॉय है, और इमीडिएटली हमने सारे डिटेल्स निकाले। 17 पर्सन जो इसके साथ सीधे प्राइमरी कॉन्टैक्ट में थे, जो अदर डिलीवरी बॉयज थे, उन सबको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया और डाटा निकाला कि ये कितने घरों में डिलीवरी किया है व्हाइल ही वाज सिम्टोमेटिक। तो 72 हाउसहोल्ड्स में ये डिलीवर किया है, और 72 हाउसहोल्ड्स को इमीडिएटली हमने सेम डे होम क्वारंटाइन का ऑर्डर किया, उनके घर के बाहर भी पोस्टर लगाए, उनसे भी सबसे कांटेक्ट किया, उनको बताया कि ये आप रिस्क पे हैं और होम क्वारंटाइन में रहें और अपने को ऑब्जर्व करें, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्शंस लिए हैं जितना भी इसमें बनता था, और वी होप कि जितने भी अगर संक्रमण हुए भी होंगे तो भी हम उसको कंटेन कर पाएंगे और आगे संक्रमण बढ़ने से भी रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली में, पिज्जा डिलीवरी बॉय वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, मालवीय नगर का ये इलाका, और एबीपी न्यूज दक्षिणी दिल्ली के डीएम ये कह रहे हैं कि जानकारी मिलते ही कदम उठाए, कह रहे हैं कि 14 अप्रैल को रिपोर्ट हमारे पास आई, हमने पता लगाया तो पता चला ये पिज्जा डिलीवरी बॉय है, छानबीन की तो पता चला पिछले दिनों ये 72 घरों में पिज्जा डिलीवरी के लिए गया है, ऐसे में उन सभी घरों पर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा कर दिया है, उन घरों के लोगों को कह दिया है कि आप एहतियात बरतिए।